ग्राम है गोधिया गन्ना विकास परिषद गुलरिया और चीनी मिल गुलरिया जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं, युवा कृषक हैं, श्री बलविंदर सिंह, बलविंदर सिंह जी, और आप मंजारी हैं मंजीत सिंह, सरदार मंजीत सिंह जी। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ जिस खेत में, ये रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया गया है और COLK 14201 अर्ली गन्ना प्रजाति है ये जो आप देख रहे हैं, और गन्नों की संख्या भी आप देख रहे होंगे। तो बलविंदर सिंह से मैं पूछूंगा कि ये रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया है, इसमें इन्होंने क्या अनुभव प्राप्त किया आपसे? तो ये बलविंदर सिंह जी बताइए, ये कब लगाया गया था? सर ये 15 अक्टूबर को लगवाया गया था, 15 अक्टूबर 2021 को। हाँ, ये दूरी तो काफी लग रही है। हाँ जी सर, ये दूरी काफी है। हमने बिया, जैसे हमारे पास बिया कम था, जैसे मिला था बिया हमको, तो हमने कहा बिया के तौर पे इसको एक तो हमारा ट्रायल हो जाएगा कितना गन्ना कैसे निकलता है। अच्छा। कि हवा खुली लगेगी तो हम बिया देखेंगे, बढ़िया हो जाएगा। अच्छा। तो ये दूरी अगर हम एक 3.5 फुट है रिंग पिट के बीच से और यहाँ तक तो 5 हो जाएगी। हाँ, यहाँ से 5 हो जाएगी अगर एक जो गड्ढा है उसके बीच से। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ 5 फुट की गन्ना तो इसमें बहुत बन गए। हाँ जी, एक रिंग में आपको लगता है गिना है कितने गन्ने होंगे? बहुत गन्ने, 60 से 70 गन्ने होंगे। 60 से 70 गन्ने हैं जी। इसमें आपने आंखें कितनी डाली थी? इसमें किसी में 8 डाली, किसी में 7 डाली। किसी में आपने 8 और किसी में 7 डाली थी। हाँ जी, तो करीब ये माने करीब 8-10। हाँ जी, एक आंख से करीब 8-10 गन्ने बन गए। हाँ जी, हाँ जी, आप कह रहे हैं करीब 70-80 गन्ने इसमें होंगे। हाँ जी, हाँ जी राम, तो करीब देखिए 8 आंखों से ही इतने गन्ने बन गए हैं। देखिए ये देखिए बोझा एक है, कितने हैं पूरे? तो एक गड्ढे में कितना गन्ना निकल आएगा? क्वांटर मान के चलो जी, तो अगर हम एकड़ में आपसे अनुमान लगाए, क्योंकि आप प्रगतिशील कृषक हैं, आप लोग खेती अच्छी करते हैं, एकड़ में क्या कितना उत्पादन इसमें हो जाएगा? ये तो सर जी 1000 गड्ढा एकड़ का हो। हाँ जी, मान लीजिए 85 एवरे लगा लिए तो 500 क्विंटल एकड़ का गया आराम से, और बाकी बीच में दूसरी आदमी फसल भी लगा सकता है। दूसरी फसल इसमें कुछ लगाई थी आपने? हाँ जी, हमने लगाई थी, जैसे आलू वगैरह हो गया, सब्जी वगैरह हो गई बढ़िया से, ये भी हमने किया भी इसमें था। हाँ जी, तो और जैसे 1500 गड्ढा ये करते हैं और इसकी दूरी थोड़ी कम पास में कर देते हैं, ये तो हमने थोड़ा ट्रायल किया था, ये दूरी थोड़ी और पास में कर देते हैं, तो ये 800-900 क्विंटल एकड़ का। आपको बसंत कालीन में रिंग पिट विधि से गन्ना लगाने का इरादा है, कितना लगाएंगे आप? 1 एकड़ लगाएंगे सर जी। 1 एकड़ लगाएंगे? हाँ जी, 1 एकड़ लगाएंगे। अच्छा, कौन सी प्रजातियां लगाएंगे आप? 15023 और 14201 और 13235, तीनों वैरायटी लगाएंगे। तीनों प्रजातियों में आपको सबसे बेहतर कौन लगी? 15023 और 13235। 15023 बेटर है क्योंकि इसमें लागत बहुत कम लगती है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे आती है 13235। अच्छा, और तीसरे नंबर पे जैसे 84 जो 14201 कहते हैं इसको, वो है उसमें थोड़ी। हाँ जी, लेकिन आपके खेत में देख रहा हूँ पीछे 13235 भी खड़ा है, 15023। हाँ जी, तीनों प्रजातियां बराबर हाइट लेंगे। हाँ जी, बराबर ही है। ऐसा क्या किया आपने? सर मेहनत की है इसमें वगैरह, जैसे टाइम से जो क्या डाला इसमें, एक गड्ढे में अगर मैं पूछूं तो क्या क्या खाद डाले होंगे इसमें? पहले सर हमने एक तसला घूरा का डाला है, एक जब बोने के समय पे। अच्छा, एक तसला घूरे का डाला है, NPK डाली है। पूरे खेत में जैसे एक एकड़ में अगर डालना हो कितना पड़ जाए? जैसे वो गन्ने में जैसे बोते हैं वैसे एक बोरी एकड़ की वो वैसी पड़ेगी, डेढ़। अच्छा, हाँ वैसे ही पड़ेगी, कम ही पड़ेगी, तो वहाँ पे लाइन से जाते हैं डालते हैं, इसमें गड्ढे में डालना है बस। अच्छा, और यूरिया की लागत भी कम पड़ती है इसमें। गन्ना तो ये काफी पड़ गया, कैसे 14201 बढ़ता नहीं, आपने लंबा कर दिया जी। और बल्कि सर जी एक चक्कर ये चर गया था। हाँ जी, नहीं तो और बढ़ जाता। इधर भी देखिए काफी अच्छा गन्ना, इधर कौन सी प्रजाति है? आगे से 15035 है, 13235 है। ये तो 201 है, ये 14201 की है अभी जी। देखिए काफी, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ पूरा खेत, रिंग पिट में दिखते कितने गन्ने बने हुए हैं। तो ये अभी COLK 14201 की है जी। अच्छा, ये 14, ये 35 शुरुआत हो गया। ये कौन है? 35 जी, 35। अच्छा हाँ, ये देखिए 13235 भी देखिए रिंग पिट बिस्टिक लगा हुआ, कितना बढ़िया गन्ना है, तो वो 14201 के बराबर तो भी है जी। और काफी शानदार गन्ने हैं इसमें। क्या अनुभव है 13235 के बारे में दादा आपका? हमारे लिए तो सब ठीक है जी, तीनों प्रजातियां अच्छी हैं। हाँ, तीनों अच्छी हैं। हाँ, तीनों बढ़िया है। तो इसमें अगर देखिए यहाँ स्प्राउटिंग नहीं हुई है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें अगर उर्वरक कम डालेंगे, वो खाद वगैरह कम डालेंगे तो नहीं होगा। हाँ, कुछ भी देखिए काफी हाइट कितनी होगी अगोला से? 13235 काफी अच्छा गन्ना है। और इधर देखिए इनका पूरा रिंग ही लगा हुआ है, क्यों जी? सब रिंग। ये इधर कौन सी प्रजाति है? ये सर 13235, ये 13235 ही है देखिए। काफी देखिए मोटा गन्ना है, 38 जैसा।
क्यों जी सर? और आपने दूरी बढ़ा दी, गन्ना मोटा हो गया जी। मोटा अभी आप कह रहे दूरी बढ़ाने से गन्ना मोटा हो जाता है, और बेहतरीन प्लाट आपको दिख रहा होगा ये 1335 है। एक एक कल्ला चलेगा दूरी बढ़ाने से, जो एक कल्ला कमजोर हो जाता है वो भी पूरी ग्रोथ लेगा बढ़िया से। तो रिंग पिट भी इससे लगा रखा है इन्होंने, तो 500-600 क्विंटल एकड़ में तो कम नहीं होगा ये? जी आराम से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा जी, ऊपर जाएगा। 700 मान के चलिए, 700 मान ले। हाँ जी 700 मान ले। गन्ना जैसे देख रहे होंगे कोसा 13-235 गन्ना प्रजाति है, रिंग पिट से लगी हुई है। और अभी देखिए पलविंदर जी और आप उनके पिताजी हैं मनजीत सिंह जी कह रहे हैं कि करीब 700 क्विंटल एकड़ जरूर निकलेगी। और देख रहे आप देख रहे होंगे ये हाइट बेहतरीन है और वैसे लग भी रहा है, तो काफी अच्छा प्लाट इनके द्वारा ये मैनेज किया गया, मेंटेन किया गया है। तो भाई बड़ा अच्छा लगा मनजीत सिंह जी। और अभी कह रहे हैं देखिए रिंग पिट से लगाएंगे फरवरी में। हाँ जी हाँ, ये भी 14-200 एक बोया है अभी वहाँ, उस तरफ आलू वगैरह बोए हुए। अच्छा ये 14-200 ये किधर देखिए, इधर हाँ बुआई कर दी है इसके अंदर, और भी इन्होंने लगा भी रखा है। हाँ टेंट से चालू हो गया है। हाँ जी देखिए आलू के साथ में इन्होंने गन्ना लगा भी रखा है, देखिए कोई दवा नहीं डाली इसमें, कुछ भी इसमें नहीं, इसमें कोई दवा नहीं पड़ी है। और देखिए आलू भी खाने भर को लगा लेते हैं, आलू भी देखिए हो गए, और गन्ना तो इधर देखिए अच्छा है ही। अच्छा लगा आपने, अच्छा गन्ना दिखाया और अच्छी।